सिद्धार्थ नगर जिले में एम्बुलेंस का फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर उजागर हो रहा है। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में अपने संसाधन पहुँचे मरीजों को 102 और 108 एम्बुलेंस में लाया और ले जाया गया है। बकायदा इसका कंपनी द्वारा भुगतान भी करा लिया गया है। इसकी जब जांच शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए। इन्होंने जो लिस्ट बनाई है मरीजों के नाम के सामने उसका फोन नंबर गलत इंगित किया गया है या फिर आशा वर्करों के नंबर डाल दिया गया है। फर्जीवाड़े का आलम यह है कि कुछ नंबरों पर कॉल करने पर उड़ई जालौन जिले के निवासी बता रहे हैं। वहीं कुछ आशा वर्करों से बात फोन पर बात हुआ तो वह बता रही है कि वे कोई भी पेशेंट सरकारी एम्बुलेंस नहीं ले गई है, उनका नंबर सूची में गलत डाल दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच कर रहे 102 और 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी डॉक्टर शेष भान गौतम ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। अभी तक इसकी संख्या इंगित नहीं हो पाई है कि इन लोगों को कितने लोगों की इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है। यहाँ तक कि मरीजों को पते भी नहीं चल पा रहे हैं। इसकी गहराई की जाँच की जा रही है। जहाँ तक फोन नंबर का सवाल है, ज्यादा नंबर गलत है, जांच के हिसाब से काफी गंभीर मामला है। सारी रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। विराट 24 के लिए सिद्धार्थ नगर से नियामतुल्ला की रिपोर्ट। हाँ सर, ये जो एम्बुलेंस 102 108 में घोटाले की बात आ रही है, जिस हिसाब से कि मरीज आया ही नहीं, उसका नाम दर्ज कर लिया गया है, इसमें क्या कार्रवाई? ये स्टेट से सूचना हम लोगों की आई है, सभी लोगों की लिस्ट आई है ब्लॉक वार, उसका सारे ब्लॉकों में PSC CSC पे CSC पे दे दिया गया है और उसको सभी लोगों से इंक्वायरी कराई जा रही है, सबके नंबर ट्रैक कॉल कराए जा रहे हैं। और कुछ ये आ रही है कि बहुत सारे नंबर ऐसे आ रहे हैं जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, या तो बंद आ रहे हैं या तो दूसरी जगह के नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आशाओं के आ रहे हैं, जिसकी संभावना बन रही है, उसकी लिस्टिंग कराई जा रही है, जैसे उपलब्ध हो जाएगी सारी सूचना दे दी जाएगी। कितना गंभीर मामला इस तरह से? ये जांच के हिसाब से जब ज़्यादा गंभीर मामला लग रहा है, पूरी रिपोर्ट बनने के बाद पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या करना है आगे। फिर जैसे फ़ोन नंबर देखा जा रहा है, कोई चंदौली का नंबर बता रहा है, कोई आशाओं का नंबर बता रहा है, कोई गलत नंबर बता रहा है, फ़ोन नंबर जो उसमें पड़े जी, फ़ोन हमने भी करवाया है, इसमें बहुत सारे नंबर जो दूसरी जगह के आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के, दूसरे ज़िले के आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर बंद आ रहे हैं या नॉट रिपीटेबल आ रहे हैं या गलत नंबर आ रहे हैं, उसकी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर की जा रही है, एक दो दिन में सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी।